film truly for selfish reasons, because you had made such a wonderful film in East is East. So we were indeed privileged to be part of West is West, because we knew that whenever you all make a film, it's going to be wonderful. And sure enough, you have proved it again that it's such a big hit already. So congratulations. कितना मुस्कुरा चुकी है जी भर जियो जो है समा कल हो न हो जस्ट एंजॉय द मोमेंट यार अरे बहुत हंस के आ रही है वो इंग्लैंड से कनाडा से हैं तो वो यहाँ भी हंसना चाहती थी लेकिन कोई बात नहीं अभी हंसेंगी लोग देखेंगे फिल्म अरे तो आपको क्या तकलीफ है उससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है ये 28 करोड़ की फिल्म है इतनी छोटी भी नहीं है हाँ वो ले लेंगे सर वो देते हैं पर इंग्लैंड का रिसेशन जो अब चल रहा है ना उसकी बात भी पड़ रही है ये बात जो अब जो ये लोग कह रहे हैं कि जब इन्होंने कमाया था जब इन्होंने बहुत जबरदस्त हिस्ट्री की उसको 11 साल हो इस दौर में जो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री का हाल है बहुत बुरा है ये दिस इज़ प्योरली अ हॉलीवुड फिल्म और इसका जो आप ये इसका स्कोर सुनेंगे तो इट इज़ प्योरली अ बैकग्राउंड स्कोर और जिसमें बैकग्राउंड स्कोर में गाने यूज़ किए गए हैं मतलब OST जिसे कहते हैं ओरिजिनल साउंड ट्रैक तो इसमें से कई गाने हम लोगों ने कंपोज भी किए हैं मैंने भी गाए हैं फोक सिंगर्स पाकिस्तान के फोक सिंगर्स हैं पंजाब के फोक सिंगर्स हैं उन्होंने भी आके गाए हैं बहुत मतलब ट्रू और बहुत अर्धी जैसे सिचुएशन के हिसाब से है वो है ये गाने सिर्फ गानों के लिए बल्कि गाने नहीं हैं इट इज़ अ बैकग्राउंड स्कोर जो एक फिल्म को आगे बढ़ाता है विच यू विल सी इन एनी वेस्टर्न फिल्म उसी तरह का स्कोर है किसमें मेरा तो बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तानी म्यूज़िक से क्योंकि मैं बड़ा ही हुआ हूँ गुलाम अली खान साहब को सुन के और मैं उनके सारी गज़लें गाता हूँ मेहदी हसन साहब के पास सारी गज़लें गाता हूँ सो ये जो संगीत जो चीज़ है वो इट डज़ नॉट कीप एनी बैरियर्स इट डज़ नॉट कीप एनी बॉर्डर्स इट डज़ नॉट कीप एनी काइंड ऑफ डिवाइड बिटवीन कंट्रीज ये संगीत मैंने एक गाना गाया था जिसका नाम था रिंद पोशमाल जिसमें संगीत में है यू नो संगीत के बारे में मैंने एक पूरा एक पैराग्राफ गाया है तो जो कहते हैं हाँ सॉरी हाँ तो संगीत जो है उसको ना जा वो कोई भाषा नहीं जानती है कोई मज़हब नहीं जानता है कोई रिलीजन नहीं जानता है इट जस्ट क्रॉसेस ऑल बाउंड्रीज और संगीत के द्वारा ही प्यार एक दूसरे कंट्री में पहुंच जाती है नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है कि हर यू सर्टिफिकेट वाली फिल्म थोड़ी हिट होती है नहीं ना तो ये ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म हिट हो जाएगी सॉरी आई हैव सीन द फर्स्ट पार्ट वंडरफुल आई एम जस्ट डाइंग टू सी दिस सेकंड पार्ट व्हिच इज देयर आई एम श्योर दैट दे मेड अ ग्रेट जॉब इसके लिए हमने ये फिल्म साइन किया फर्स्ट पार्ट देख के ही हमने साइन किया क्योंकि ये जो फिल्म है ये ऑलरेडी हिट हो चुकी है यूके में एंड मेड सो मच मनी ऑलरेडी अभी यहाँ पर आके भी आई एम श्योर दैट द पीपल ओवर हियर आर गोइंग टू लव दिस फिल्म कौन सा हमने गाना बहुत ही मेलोडियस गाना गाया मेरे साइयां इट गोज जित देखूं उत पाइयां अल्लाह मेरे मौला मेरे साइयां अल्लाह मेरे मौला मेरे साइयां दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग I wish them all the very best.
11 साल पहले बनी थी, सुपर डुपर हिट थी और एक बहुत ही हास्य प्रधान फिल्म थी। वेस्ट इज़ वेस्ट क्योंकि 11 साल बाद बनी है और इसमें वो जॉर्ज खान जिन्होंने 35 साल पहले पाकिस्तान छोड़ा था, व्हेन ही कम्स बैक टू पाकिस्तान तो जाहिर है कि वो अपने दो लड़कों को लेकर के आए हैं। तो ये बाप बेटे की भी कहानी है और जैसा कि ईस्ट इज़ ईस्ट में सबको मालूम था कि इन्होंने 35 साल पहले अपनी वाइफ मिसेस खान नंबर वन बशीरा को वहाँ छोड़ा था, तो पति पत्नी की भी कहानी है। फ़र्क इसलिए है कि फिल्म अब ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई और भावनात्मक स्तर पे इसमें बहुत सारी परतें हैं और पीपल विल इन्जॉय इट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडी और अ फ्रिवलेस कॉमेडी, इट इज़ ए मीनिंगफुल कॉमेडी एंड विच हैज़ लॉट ऑफ सेंसिटिव लेयर्स। बहुत ऐसे क्षण भी हैं जो आपके दिल को छुएंगे, बहुत ऐसे क्षण भी हैं जो आपके अपने लिए एक आईना बनेंगे। मैं जॉर्ज खान की पहली फिल्म में लोगों का परिचय हुआ था उनकी दूसरी पत्नी से, यानी वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ आधा सच बता करके एक अंग्रेज़ औरत से शादी कर ली। लोगों ने उस अंग्रेज़ औरत को देखा पर उसमें और औरत का जिक्र आता था, मिसेस खान नंबर वन, वो जॉर्ज की पहली पत्नी थी और जिन्हें उन्होंने 35 साल पहले छोड़ा था। इस फिल्म में मैं उनकी वो पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने 35 साल छोड़ा था, यानी कि अगर उनकी 55 साल की उम्र आज है या 50 की है, उस समय वो 14-15 की रही होंगी या 16 की रही होंगी और 13 में शादी हुई होगी। उस कच्ची उम्र में और 16 साल में दो लड़कियों को जन्म दे के जॉर्ज साहब बाहर जाते हैं ख्वाब दे करके कि आपके लिए मैं पैसा कमा के लाऊंगा। खेतों में काम करने वाली, पंजाबी भाषा बोलने वाली, किसी और दुनिया को ना समझने वाली वो खुददार बशीरा कैसे अपने 35 साल बाद लौटे हुए पति का सामना करती है, वो बशीरा मैं। एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इमोशनल रोल है और मेरी पहली इंटरनेशनल फिल्म है, इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग आएं और ये फिल्म देखें और देखें कि मैं कैसे इन ऐसी औरतों की ज़बान बनी जिनकी अपनी सोसाइटी में कोई आवाज़ ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक कलाकार हमेशा चाहता है कि जहाँ भी वो है वहाँ से दो कदम आगे बढ़े। जब जोधा अकबर करी तब आशु जी के साथ काम करने का मौका मिला और एक दूसरा स्तर पाया, फिर वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा, फिर अचानक आपको ये मौका मिला कि आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म करें, जो ओम जी ने तो बहुत कर रखी थी, और वहाँ जाके अपनी पहचान बना ली क्योंकि लोगों को हमारा किरदार जो है अच्छा लगा। उसके बारे में तो हमारी जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर हैं उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि देखिए, और हमारी आंखों में शर्म है क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो एक लफ्ज़ पे चले जाते हैं, और मैं डायरेक्टली सेंसर बोर्ड से बात कर रही हूँ, कि आप एक लफ्ज़ पे चले जाते हैं पर उसको पूरी फिल्म के परिवेश में देखिए कि वो क्यों बोला गया और वो कैसे बोला गया और कैसे वो जब बच्चा आता है तो अपने बड़ों से कुछ उसने गालियाँ सीखी। लोग पूछते कि पंजाबी आती है, वो कहती हैं हाँ, वो कहता है या आई नो पंजाबी एंड देन दिस इज़ व्हाट एंड देन ही कम्स आउट विद दिस टू गालीज। तो ये उसका भोलापन देखिए क्योंकि उसके अगल बगल हमें पता ही नहीं हम अक्सर किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखिए लोग करते हैं कि बात बात पर जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बच्चा जब यहाँ रहता है कैसे परिवर्तित होता है, कैसे अब क्या हुआ सेंसर बोर्ड ने ए दे दिया, अब ये बच्चे आएंगे नहीं, ये किन बच्चों के लिए फिल्म है। ये जो गैप आज के भारतीय समाज में भी जो नाना नानी हैं दादा दादी हैं उनको ताक पर रख दिया गया है, जो बच्चे हैं उदबिलाव हो चुके हैं क्योंकि बाहर पढ़ के आते हैं और उनको मालूम ही नहीं है कहाँ के बच्चे हैं, आधे उनके बाल इधर कटे रहते हैं, ये यहाँ होता है, उल्टा पुल्टा बोल रहे होते हैं, तो लोग उनको नमूना समझते हैं। वेयर एज उनकी कोई गलती नहीं, वो बेचारे भोले, भाषा जहाँ की रहेंगी वो एक्सेंट आएगा ही आएगा। अब यहाँ के अपने दे वॉन्ट टू रीच आउट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स पर कैसे हो, तो उसके लिए एक ब्रिज को पार करना ज़रूरी है, उसमें ये फिल्म
एक बहुत अहम भूमिका करती है, अदा करती है। और बच्चे जो हैं, ये बच्चा जो है वो जाना नहीं चाहता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत फिल्म है कि वो बच्चा वापस जाना ही नहीं चाहता है। और उसका पूरी सोच जो उसका पूर्वाग्रहित होकर आया था कि हमारा ऐसा होगा, हमारा भारत ऐसा है, हमारा पाकिस्तान ऐसा है, वो कितना बदल जाता है। उसके लिए कि एक बुज़ुर्ग की इज्जत करना, अब आपने जो ए सर्टिफिकेट दे दिया, तो जो बच्चे जिनको हम एड्रेस करना चाह रहे थे 15-14 साल के बच्चों को कि तुम आओ देखो तहजीब किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, दादा दादी का अदब किसको कहते हैं, वो रह जाएंगे ना। इसलिए शायद ये लोग हताश हैं। बट मैं फिर भी सारे माँ बापों से कहूँगी कि ए या बी या सी, आप लोग ये फिल्म ज़रूर DVD में ख़रीद लें और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। आप खुद ये देखेंगे कि ये फिल्म बच्चों के साथ बैठ के देखनी चाहिए।